अनुच्छेद 112 में जो है इसका वर्णन है। अच्छा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपको बजट से। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो है पहला बजट किसने पेश किया था, तो आपको याद करना है जेम्स विल्सन ने। ठीक है, जेम्स विल्सन ने जो है 1860 में पहला बजट पेश किया था। अब 1860 में, अब क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था, आम बजट था, वो कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर को। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 26 नवंबर 1947 में भारत स्वतंत्र भारत का जो है पहला आम बजट आया था, जो कि पेश किया था आपका षणमुखम चेट्टी। ठीक है, वहाँ के उस टाइम पे जो है वित्त मंत्री थे षणमुखम चेट्टी, उन्होंने 26 नवंबर जो है 1947 को पहला हमारा जो है आम बजट, स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया था। अब क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आता है कि पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, फर्स्ट पीएम जिन्होंने जो है बजट पेश किया हो, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका कारण क्या था कि उस टाइम जो वित्त मंत्रालय था वो नेहरू के पास ही था, तो इन्होंने जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पे, जिन्होंने हमारा जो है बजट पेश किया था। ठीक है, और मोरारजी देसाई जो है वो एस एफ आई ने जो है सबसे ज्यादा बार जो है बजट पेश किया है। ठीक है, 1 अप्रैल से जो हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है आप सभी को पता है, और अभी 2017 से जो है, 2017 से पहले क्या था, रेल बजट और जो यूनियन बजट है वो अलग अलग आता था। अब से जो है 2017 के बाद में दोनों बजटों को जो है एक में ही शामिल कर दिया गया है, तो एक ही बजट आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने जो है वीडियो है उसकी तरफ। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा। ठीक है, जो भी बजट में पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने उन्हीं को जो है तोड़ मरोड़ के लिखा है, और इसी से जो है मैं आपको आगे आगे करवाता रहूंगा। तो स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा, कब मनाएगा, तो 2021 में मनाएगा। ठीक है, स्वर्ण जयंती का मतलब होता है 50 साल। ठीक है, 50वीं जयंती मनाएगा हिमाचल प्रदेश, तो कब मनाएगा, 2021 में। ठीक है, 25 जनवरी 2021 को जो है 50 साल हो जाएंगे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले हुए हिमाचल प्रदेश को, तो जो है स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश द्वारा। ठीक है, एक रजत जयंती होती है, वो होती है 25 साल की, ये भी आप याद कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, हिमाचल इन्वेस्टर मीट। ठीक है, धर्मशाला में हुई, कहाँ पे हुई, तो धर्मशाला में हुई, इसका भी जो है पॉइंट दे रखा था बजट के अंदर। तो इस मीट का जो है कार्यक्रम कब से कब हुआ, तो ये हुई 7 और 8 नवंबर 2019 को। ठीक है, 7 और 8 नवंबर 2019 को हुई धर्मशाला के अंदर, और इसमें जो साइन हुए समझौते पे वो हुए 97,700 करोड़, 97,700 करोड़ का जो है समझौते पे इस पे हस्ताक्षर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हिमाचल की जो जीडीपी है 2019-20 में वो 5.6% का रहने का अनुमान है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है वो कितनी रहेगी, 5.6%, तो काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। अब यहीं से मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज्यादा किस राज्य की जीडीपी है, महाराष्ट्र की है, और सबसे कम जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, उसकी जो जीडीपी है वो सबसे कम है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का रैंक कौन सा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का रैंक है दूसरा। ठीक है, ये सब जो है बजट के अंदर लिखा हुआ है, बजट का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और मेरी जो वीडियो है इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाओगे तो उसका ज्यादा फायदा रहेगा। तो एसडीजी की जो रिपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको जारी कौन करता है, तो नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन आता है जो एसडीजी की रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है, तो नीति आयोग जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। अच्छा, इस पे फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे तो है हमारा हिमाचल, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है आपका केरल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे है केरल। ठीक है, इसमें 17 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 17 जो है गोल्स होते हैं शिक्षा का, ठीक है, स्वास्थ्य का, काफी जो है गोल है 17 है, तो उनमें से जो है हिमाचल को पॉइंट मिले हैं 69, हिमाचल को कितने पॉइंट मिले हैं 69, केरल के पॉइंट है 70। ठीक है, 70 पॉइंट के साथ केरल नंबर 1 पे है, और सेकंड पे है हमारा हिमाचल 69 पॉइंट के साथ। वहीं पर अगर यूनियन टेरिटरी से बात करें तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ नंबर 1 पे है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में जो है चंडीगढ़ नंबर 1 पे है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, इसी जो रिपोर्ट है इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है एक विजन डॉक्यूमेंट शुरू किया है, दृष्टि 2030। ठीक है, दृष्टि 2030 एक विजन डॉक्यूमेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग से जो है, ठीक है, 15वां जो वित्त आयोग है उससे 19,309 करोड़ के वार्षिक अनुदान की मांग की गई है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग से मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हिमाचल ने जो है 19,309 करोड़ के जो है वार्षिक अनुदान की मांग की गई है इसमें। तो 15वां वित्त आयोग जो है इसके आर्टिकल पूछा जाता है, कौन से आर्टिकल में जो है इसका वर्णन होता है वित्त आयोग का। तो वित्त आयोग जो है 280 और 81 के अंदर, ठीक है, 280 और 281 के अंदर जो है इसका वर्णन है। और वर्तमान में जो हमारा 15वां वित्त आयोग है इसके हेड है एनके सिंह। एनके सिंह जो है इसके हेड है और इस वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से लेके 2025 तक। ठीक है, ये हमारा 15वां वित्त आयोग है, इसका कार्यकाल रहेगा 2020 से लेके 2025 तक। अब जो वित्त आयोग है ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो वित्त आयोग देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को जो है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है और प्रेसिडेंट जो है आगे उस रिपोर्ट को संसद में सौंपता है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है 15वें वित्त आयोग की, कि जो ये रिपोर्ट देगा ये देगा हमारी 2011 की जो जनसंगणना है, ठीक है, 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे। लेकिन इससे पहले जितने भी आयोग रहे हैं, ठीक है, 14वां आयोग, 13वां आयोग, उनकी जो रिपोर्ट रहती थी वो रहती थी 1971 की जो जनगणना है उसके बेस पे। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीपी के लिए चुना गया जिला चंबा। ठीक है, एडीपी क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है एक, ठीक है, और इसमें जो है एडीपीपी भी है, ब्लॉक प्रोग्राम में भी जो है शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो ये नया प्रोग्राम है एडीपी, तो इसके लिए कौन सा जिला चुना गया है, तो चंबा जिला जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, क्वेश्चन तो नहीं है, पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने जो है एक नया इंडेक्स शुरू किया है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का क्या महत्व है, क्या यह इंडेक्स है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो है टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें चुना जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है हिमाचल गवर्नमेंट टॉप 3 जिलों को चुनेगी, जो कि नंबर 1 पे होगा और फर्स्ट जिला उसे 50 लाख रुपया दिया जाएगा इनाम। ठीक है, सेकंड जो जिला होगा उसको जो है 35 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा और जो थर्ड पे होगा उसे 25 लाख। तो इस तरह से जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने जिलों के लिए। ठीक है, जो नंबर 1 पे होगा उसे 50 लाख, सेकंड वाले को 35 और थर्ड को 25 लाख रुपये दिया जाएगा गवर्नेंस के मामले में, जो कितना अच्छा जो है विकास कर रहे हैं। अब देखिएगा विधायक नीति जो है वो 120 करोड़ रुपए कर दी गई है, ये पहले थी 105 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सुविधाएं 52 से बढ़ाकर जो है वो कर दी गई है 62। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट की जो सुविधाएं हैं, ई डिस्ट्रिक्ट एक वेब पोर्टल है, यहाँ पे जो है 52 तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती थी हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अभी ने बढ़ाकर जो है कर दिया गया है 62। नेक्स्ट देखिएगा ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर से अगली बैठकें जो भी है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की जो भी बैठकें हैं वो पेपरलेस कर दी जाएगी। ठीक है, और जो ये बजट है ये भी पहली बार जो है लैपटॉप से पेश किया गया, तो अब जो भी हिमाचल प्रदेश की बैठकें होंगी उनमें पेपर का यूज नहीं होगा। ई कैबिनेट एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हुआ है, ठीक है, इसी के तहत जो है सारी बैठकें डिजिटल तरीके से की जाएगी, तो ये भी आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है काफी इंपोर्टेंट है गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, कौन सी योजना है, गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2,76,000 एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कितने दिए गए, 2,76,000। गृहिणी सुविधा योजना जो है ये मिलती जुलती योजना है केंद्र सरकार की योजना की तरह, उज्ज्वला योजना। ठीक, कौन सी योजना, उज्ज्वला योजना। इससे भी क्वेश्चन आता है उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर से। ठीक है, अच्छा कब शुरू की गई, तो 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को जो है उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, और इसका जो लक्ष्य था 2019 तक का था, और हिमाचल ने जो है 2019 तक 2,76,000 परिवारों को जो है ये गैस सिलेंडर मुहैया करा दिए गए हैं। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन से जो है गृहिणी सुविधा योजना रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से है, तो एलपीजी से। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखिएगा हिमाचल में, हिमाचल गवर्नमेंट की नई योजना आई है कृषि से संबंधता योजना। ठीक है, कौन सी योजना, कृषि से संबंधता योजना। इस योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग उगाया जाएगा। अच्छा, जो हमारा IHBT है पालमपुर में, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी, IHBT एलोकेटेड है कहाँ पे, पालमपुर में,
इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी, इसने जो है ये नई हींग की नई प्रजाति खोजी है जो कि चंबा, किन्नौर जो भी हाइट पे है हमारे जिले, ठीक है, लाहौल स्पीति हो गया, वहां पे इस हींग को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब केसर और हींग इन दोनों की जो फसलें हैं ये खेती करेगा हिमाचल प्रदेश, कौन सी योजना के तहत? कृषि से संबद्धता योजना। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं केसर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कहाँ पे उगता है केसर? सिर्फ और सिर्फ भारत में जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सबसे ज्यादा केसर यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का विस्तार 50,000 से 1,00,000 किसानों तक जो है कर दिया गया। अब ये नई योजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ठीक है, पिछले साल ही शुरू हुई थी ये योजना, तो इसमें जो है पहले 50,000 किसानों को जोड़ा गया था, अब इसका जो विस्तार कर दिया गया वो कर दिया गया 1,00,000 किसानों तक। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे आपके? क्वेश्चन आएगा कि जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, इसको लागू करने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य था जिसने जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को जो है शुरू किया था। ठीक है, जीरो बजट से आपका मतलब है आप कोई भी रबी या खरीफ की फसल उगाएं तो आपका जो भी लागत रहेगी वो जीरो रहे, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है पहला राज्य था जो कि पूर्व तह से जो है जैविक खेती करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा था भारत का? तो है सिक्किम। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ZBNF को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिना सिंह सिंचाई परियोजना जल्द पूरी होगी। ठीक है, एक परियोजना है फिना सिंह सिंचाई परियोजना, तो इसे जो है 70 करोड़ का पैकेज मिला है। ठीक है, इसे जो है जल्द पूरा कर दिया जाएगा। ये एग्जाम में आ सकता है, कहाँ पे है? तो आई थिंक नूरपुर में है। ठीक है, इसके बारे में मेरे को पूरा पता नहीं है, नूरपुर में आई थिंक कांगड़ा के अंदर है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार, फन्ना सिंह सिंचाई परियोजना। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट परियोजना है, और जो भी छोटी मोटी योजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश की में जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जो है वो सारी पूरी कर जाएगी, उनके लिए जो है 338 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जितनी भी विभिन्न तरह की सिंचाई परियोजना है टोटल उनके लिए 1,024 करोड़ का अनुदान राशि प्रोवाइड की गई है। अब नई परियोजना आई है नीचे, सॉरी नई योजना आई है कृषि उत्पाद संरक्षण योजना। ठीक है, इसे हम एंटी हेलनेट योजना भी कहते हैं। तो ये योजना क्या है? इसमें जो भी आपके बगीचे बगीचेदार किसान है, ठीक है, बागवान जिन्हें हम कहते हैं, तो बगीचों को ढकने के लिए, बगीचे के जो भी पेड़ है उन्हें ढकने के लिए जो है बांस या स्टील का प्रयोग किया जाता है, जो भी नेट लगाया जाता है, तो वो इस योजना के तहत प्रोवाइड किया जाएगा, और 50% की जो है सब्सिडी देगी हिमाचल गवर्नमेंट। ठीक है, कितने परसेंट की? 50% की जो है सब्सिडी देगी उस नेट को लगाने के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मधु उत्पादन प्रसंस्करण योजना। ठीक है, मधु उत्पादन प्रसंस्करण योजना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, किससे? मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड दो और योजना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक है हनी बी योजना। कौन सी योजना? हनी बी योजना। ये जो योजना है ये शुरू की है रेलवे मिनिस्ट्री ने। ठीक है, रेल मंत्रालय ने, भारत के रेल मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। ये क्या है कि जैसे पटरियों पे आमतौर पर जैसे छत्तीसगढ़ वाले इलाके हैं, ठीक है, जो भी निचले इलाके हैं वहां पे क्या होता है हाथी जो है पटरियों पे आ जाते हैं, तो उन्हें भगाने के लिए ये योजना शुरू की है। ठीक है, मधुमक्खियों की आवाज निकाली जाएगी ट्रेनों से, तो हनी बी योजना शुरू की है रेलवे मंत्रालय ने। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में। और एक इसी से मिलती जुलती है मधु ऐप, मधु ऐप। ठीक है, मधु ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो एक ही उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन ये मधुमक्खियों से रिलेटेड नहीं है, ये बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, बच्चों के लिए जो है एक ऐप बनाई गई है, स्मार्ट लर्निंग ऐप, उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा, जिसे नाम दिया गया है मधु ऐप। ठीक है, इसका नाम क्या है? मधु ऐप। एक हिमाचल प्रदेश की एक और योजना है महक योजना। कौन सी? महक योजना। इस योजना के तहत जो भी खुशबूदार पौधे हैं उन्हें लगाया जाएगा। ठीक है, तो उनकी जो है उनका पौधारोपण किया जाएगा, तो इसके लिए एक योजना आई है महक योजना। और इसी के तहत मैं आपको बता दूं यूपी गवर्नमेंट ने जो है अभी एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, पिछले साल
22 करोड़ पौधे लगाए हैं, ठीक है। भारत में अगर सबसे ज्यादा पौधे किसी ने, पौधारोपण किसी ने किया है तो यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, 22 करोड़ पौधे लगाए हैं। और महक योजना हिमाचल गवर्नमेंट की है, किस चीज के लिए है, जो भी खुशबूदार पौधे हैं उनके पौधारोपण के लिए नई योजना आई है। नेक्स्ट देखिएगा, कुकुट पालन योजना, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, कुकुट पालन यानी मुर्गा पालन के लिए योजना है, ठीक है। हिमाचल में जो है मुर्गे पालन के लिए एक नई योजना है, कुकुट पालन योजना। और मूव्स योजना, मोबाइल वेटनरी सेवा, ठीक है। ये कौन सी सेवा है, मोबाइल वेटनरी सेवा, मूव्स, ठीक है। जो भी पशु है हमारे, जिनके स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, उनकी समस्याओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है मोबाइल वेटनरी योजना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में जो है सरस मेले का जो है आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कौन सा मेला, सरस योजना, सरस मेला क्या है, प्रत्येक जिले में सरस मेले का जो है आयोजन किया जाएगा। सरस मेला क्या है, जो भी हमारे गांव के जो है ट्राइब है, ठीक है, वो पतले बनाते हैं टोकरियां, ठीक है, या हाथ से बुनाई वाली कुछ भी बांस की कलाकृतियां करते हैं, तो उनके लिए जो है एक मेला आयोजन किया जाएगा, मेले का जिसका नाम है सरस मेला, ठीक है। इसमें जो है उनकी जो भी हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, वो चाहे पतले हैं जो भी है, उनको जो है उनकी प्रदर्शनी की जाएगी और उनकी बिक्री जो है वहीं से की जाएगी, ठीक है। उन बिक्री भी वहीं से सुनिश्चित की जाएगी और वहीं पे जो उनकी प्रदर्शनी की जाएगी। इस मेले का नाम रखा है सरस मेला, ठीक है, हर एक जिले में लगेगा हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट देखिएगा, उन्नति योजना, बहुत सारी योजना। नेक्स्ट देखिएगा, पंचवटी योजना, पंचवटी योजना है, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। पंचवटी योजना जो है वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, सीनियर सिटीजन के लिए पार्क और बगीचे बनाए जाएंगे, ठीक है। सीनियर सिटीजन की जो है हेल्थ को लेके योजना शुरू की है पंचवटी योजना, इसके तहत जो है पार्क और बगीचे बनाए जाएंगे। और पंचवटी से आपको याद रखना है, पंचवटी है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के अंदर है एक जगह पंचवटी, ठीक है। क्यों फेमस है, क्योंकि लक्ष्मण ने जो है शूर्पणखा की नाक काटी थी। क्वेश्चन आता है इससे कि पंचवटी कहाँ पे है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और सीता माता के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सीता गुफा नाम एक जगह है, ठीक है, सीता गुफा के लिए भी काफी फेमस है पंचवटी। नेक्स्ट देखिएगा, 500 पंचायतों को जो है कचरा मुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 500 पंचायतों पे जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके बाद पूरे हिमाचल में शुरू होगा। पहले जो है 500 पंचायतों को जो है कचरा मुक्त किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता है भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। हम देखा इसमें गांधी जी का चश्मा है इस तरह से, तो यहीं से आपको याद करना है, शुरू कब हुआ, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए, 5वां राज्य वित्त आयोग जो है वो समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2022 को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो अपना राज्य वित्त आयोग है, उसकी समाप्ति कब होगी, तो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 6ठा राज्य वित्त आयोग बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य का कुल 30% हिस्सा वन क्षेत्र के अधीन लाया जाएगा, ठीक है। ये जो है हिमाचल प्रदेश का एक लक्ष्य है कि 30% जो हिस्सा है आने वाले साल में, उसे जो है वन क्षेत्र के अधीन लाया जाए, ठीक है। अभी कितना है, अभी है 27.72, ठीक है। मैंने कल आपको वन रिपोर्ट बताई थी, उसके तहत भारत का कितना है, तो भारत का टोटल एरिया है 24.5% वन आवरण वाला, ठीक है। और सबसे ज्यादा जंगल है मध्य प्रदेश में। ये जो हमारा नया प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके तहत 30% हिस्सा वन का जो है वो वनों के अधीन लाया जाएगा, इसके तहत हिमाचल गवर्नमेंट ने पहले बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। एक सामुदायिक वन संवर्धन योजना थी, विद्यार्थी वन मित्र योजना थी, ठीक है। और इसी के तहत जो है 50,000 चंदन के पेड़ लगाए जाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं हम पर्वतधारा योजना। पर्वतधारा योजना क्या है, तो ये जो योजना है इसमें भूमिगत जो भी जल है उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसकी जो भी अवैध माइनिंग हो रही है उसको बचाने के लिए पर्वतधारा योजना शुरू की है। जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे नदियों से जो है पानी दिया जाए सिंचाई के लिए, तो इस योजना को शुरू किया है पर्वतधारा योजना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है 5 वस्तुओं को जीआई टैग देने की सिफारिश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो है 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें जीआई टैग देने की सिफारिश की जाएगी, तो इनमें 5 वस्तुएं कौन कौन सी है, ठीक है, वो मैंने अभी लिखी नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हिमाचल का जो काला जीरा है उसे जीआई टैग मिला था, चूली के तेल को जीआई टैग मिला था, ठीक है। जीआई टैग आप एक बार जरूर देख लीजिएगा,
इंडिया के जितने भी जीआई टैग मिले हैं 2019 में, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जीआई टैग के बारे में जरूर वीडियो देख लीजिएगा आप, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है क्षय रोग निवारण योजना, ठीक है। क्षय रोग होता है आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं, तो इसके निवारण के लिए भी योजना आई है, ठीक है। इसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश को पहला अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था, क्योंकि टीबी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने काफी जो है वृद्धि की थी इसे इस रोग को कम करने में। और टीबी डे आपसे पूछा जाए अगर कि टीबी डे कब मनाते हैं हम, तो 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को जो है टीबी डे मनाया जाता है। काफी जो है खतरनाक रोग है ये, फेफड़ों को ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है, ज्यादा शरीर को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है फेफड़ों को पहुंचाता है। और किससे फैलता है, तो बैक्टीरिया से। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से, आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा सम्मान योजना। सम्मान योजना किसके लिए शुरू की है, तो सम्मान योजना क्या है कि कुछ एक लोग क्या करते हैं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, अपना कोई सगा है, तो कुछ एक लोग उन्हें हॉस्पिटल में अगर वो बीमार है तो वहाँ जो है एडमिट करवाते हैं और वहीं पे छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो है उनके इलाज के लिए जो भी हॉस्पिटल है उनको दिक्कत आती है, तो उसी के लिए एक योजना शुरू की है, सम्मान योजना। अगर ऐसे कोई हॉस्पिटल में छोड़ के चला जाता है मरीजों को, तो उनके लिए योजना शुरू हुई है सम्मान योजना, ठीक है। इसके तहत और भी योजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश की, हिम आरोग्य योजना, ठीक है, मोबाइल हेल्थ सेंटर, तो इनको भी आपको याद करना है। और एक नया अवार्ड शुरू किया है, अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार, ठीक है, अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार शुरू किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने, नया प्राइस है। नेक्स्ट देखिएगा जल जीवन कार्यक्रम के तहत 2024 तक जो है हर घर में जो है नल के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो है एक नीति थी, ठीक है, एक नया कार्यक्रम था कि जो है 2024 तक हर एक घर में स्वच्छ जल पहुंचाया जाए, ठीक है। इसी के तहत जो है अरे एक नया मंत्रालय बना है, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उसके मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्रालय के, नया मंत्रालय है भारत सरकार का, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। इसके तहत जो क्या है एक नया प्रोग्राम है, जल जीवन कार्यक्रम 2024 तक जो है हर एक घर में नल के थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा। देखिए रेणुका परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की योजना घोषित किया गया है, किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रेणुका परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की योजना घोषित किया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है काफी इंपोर्टेंट है, सूरज कुंड मेला, हरियाणा का जो है थीम स्टेट था हिमाचल, ठीक है। सूरज कुंड मेला लगा कहाँ पे, तो हरियाणा में, और इसकी थीम स्टेट कौन सी थी, तो हिमाचल थी, ठीक है। हरियाणा में मनाया जाता है सूरज कुंड मेला। और अगर आपसे पूछे फोकस कंट्री, तो उज्बेकिस्तान जो है फोकस कंट्री रहा है। अच्छा फेमस क्यों है ये, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इसी के तहत अभी हिमाचल जो है थीम स्टेट था, तो हिमाचल के क्राफ्ट जो भी थे वहां पे वो दिखाए गए, लेकिन इतना जो है हिमाचल को फायदा नहीं हुआ, तो इसी के तहत हिमाचल सूरज कुंड मेले की तरह एक अपना मेला जो है लगाएगा, जिसका नाम है क्राफ्ट और पर्यटन मेला, ठीक है, क्राफ्ट और पर्यटन मेला। सूरज कुंड मेले की तरह जो है क्राफ्ट और पर्यटन मेला हिमाचल गवर्नमेंट शुरू कर रही है, अपने जो भी क्राफ्ट है, हैंडक्राफ्ट है, उनको किस तरह से जो है प्रस्तुत किया जाए लोगों के सामने, ताकि उसका जो है बिक्री बढ़ सके, तो उसके लिए ये मेला सूरज कुंड मेले की तरह शुरू किया है। और ये 34वां सूरज कुंड मेला था, ठीक है, कौन सा, 34वें नंबर का सूरज कुंड मेला था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदेश के 5 मंदिरों का जो है संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है, म्यूजियम बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 5 जो मंदिर है उनका कौन कौन से, ज्वालाजी, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी, नैना देवी और चिंतपूर्णी, ठीक है। इसका काम क्या होगा संग्रहालय का, मंदिर से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो सारी जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनको सबको जो है यहाँ पे इस मंदिर के बारे में हिस्ट्री, इसकी क्या मान्यता है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नई खेल नीति 2020 आएगी, ठीक है, 2020 में जो है हिमाचल गवर्नमेंट नई खेल नीति लाई ला रही है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि 5% आरक्षण कौन से राज्य सरकार ने दिया है खिलाड़ियों को, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स जो है उनके उनमें जो है 5% आरक्षण दिया है आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो भी खिलाड़ी हैं उनको जो है 5% आरक्षण दिया गया है। अभी इसी के साथ आपको मैं बताऊं कि बीड बिल्डिंग जो है आपका पैराग्लाइडिंग वहां पे हो रहा है प्री वर्ल्ड कप, ठीक है, प्री वर्ल्ड कप हो रहा है कहाँ पे, बीड बिल्डिंग में, और ब्यास नदी पर है पहला एशियन राफ्टिंग प्रतियोगिता होगी, ठीक है, ब्यास नदी पर पहली एशियन राफ्टिंग प्रतियोगिता होगी हमारी।
नेक्स्ट देखिएगा, बद्दी में विजिलेंस थाना बनाया जाएगा, ठीक है। बद्दी जो कि पड़ता है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे जो है विजिलेंस थाना बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दो नई रेल परियोजनाएं हैं हिमाचल गवर्नमेंट की, एक तो है भानुपल्ली बिलासपुर बैरी और दूसरी है चंडीगढ़ बद्दी, ठीक है। इसका कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर का जो है इसका जो भी जमीन का कार्य था वो पूरा हो चुका है, अब इसके ऊपर कार्य होना शुरू हो चुका है, इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसकी जो है अभी जमीन की जो है मैपिंग हो रही है चंडीगढ़ बद्दी की, जल्द जो है ये बनने बननी जो है शुरू हो जाएगी। और 5 नए जो है हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। हिमाचल गवर्नमेंट में जो है हेली टैक्सी शुरू की थी, आपको पता होगा थोड़ी दिनों पहले, ठीक है, पिछले साल जो है हेली टैक्सी शुरू की थी, तो इसी के तहत 5 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे और धीरे धीरे हर एक जिले में जो है एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। इस सुविधा को जो है बढ़ाने के लिए हर एक जिले में एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। देखते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी नजर बनाते हैं। 2021 की वार्षिक योजना जो है उसे 7900 करोड़ रखा गया है, ठीक है। वार्षिक योजना का जो खर्च है वो है 7900 करोड़, ठीक है। और राजस्व घाटा इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा 2019-20 का जो राजस्व घाटा है वो कितना है, 4007 करोड़, ठीक है, कितना है, 4007 करोड़। और कुल बजट जो 2020-21 में पेश हुआ वो हुआ 49131 करोड़ का, काफी इम्पोर्टेंट है। इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कुल बजट कितना था, तो 49131 करोड़ और अनुमानित 2020-21 का घाटा, ठीक है, ये अनुमानित है कि 2021 में घाटा रह सकता है 684 को, ठीक है, 684 है हिंदी में, अगर आपको हिंदी जो है प्योर हिंदी समझ आ रही है, तो राजस्व घाटा 2020-21 का रहेगा 684 करोड़ अनुमानित, ठीक है। और जो ये बजट है पिछले साल से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 11% जो है ये बजट अधिक है। तो ये था बजट के बारे में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश कर दूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड।